नमस्कार दोस्तों, अजय थ्री डेज की और एक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए देखते हैं अपने सोमवार को यानी 25 जुलाई को बैंक निफ्टी ऑप्शन और निफ्टी ऑप्शन में क्या हो सकता है। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि लास्ट फ्राइडे को यानी शुक्रवार को ग्लोबल मार्केट में क्रैशी क्लोजिंग आई है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप चेक करोगे तो डाउ जोन्स -137 में क्लोजिंग दिया है और SES निफ्टी ने -90 पे क्लोजिंग दिया है। तो हमें सोमवार को सुबह में हमें ये देखना है कि ये डाउ जोन्स और SES निफ्टी कहाँ पे ओपन होती है, फ्लैट ओपन होती है, माइनस में ओपन होती है या प्लस में ओपन होती है। सोमवार को हमें पता चलेगा कि हमारा मार्केट गैप ओपन होगा या गैप डाउन ओपन होता है। लेकिन इसके हिसाब से हम देख लेते हैं कि निफ्टी में क्या हो सकता है सोमवार को। फ्रेंड्स, यहाँ पे चेक करोगे कि निफ्टी का ये वन डे का चार्ट लगाया है मैंने स्क्रीन पे, और अगर निफ्टी का क्लोजिंग आया है 16719 पे क्लोजिंग आया है, उसने हाई मारा है 16750 के करीब, उसका हाई मारा है फ्रेंड्स निफ्टी ने लास्ट फ्राइडे को। तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो ये जो कैंडल बनी हुई है 16790, ये एज रजिस्ट्रेशन का काम कर सकती है सोमवार को। अगर फ्रेंड्स 16790 के ऊपर निकल रही है तभी ये ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है निफ्टी में, क्योंकि यहाँ पे आप चेक करोगे कि यहाँ से ये लगातार गिरते आ रही है निफ्टी। यहाँ से बाद में ऊपर गई, फिर से यहाँ पे थोड़ा नीचे आया, फिर से ऊपर गया। पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है यहाँ से थोड़ा नीचे आएगा इस गैप को फिल करने के लिए, बाद में इसको ब्रेक करके ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है निफ्टी में। लेकिन आइए देखते हैं 15 मिनट की चार्ट में कि निफ्टी में सोमवार को क्या हो सकता है फ्रेंड्स निफ्टी में। इससे पहले मैं ये एक निकाल लेता हूँ फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो एजुकेशन पर्पज से बनाता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम वीडियो कोई देख रहा है तो उसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, मैं 15 मिनट का चार्ट लगा लेता हूँ निफ्टी में स्क्रीन पर। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप चेक करोगे 15 मिनट में कि ये लगातार 3 दिन से गैप ओपन हो रही है निफ्टी। तो 15 मिनट की चार्ट में मैंने ये पहले से लेवल मार्क कर दिया है कि सोमवार को क्या होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे फर्स्ट सिनेरियो हमारा जो है वो फ्लैट ओपनिंग का है। फ्रेंड्स, अगर निफ्टी सोमवार को 16752 से लेके 16690 यहाँ पे ओपन होती है और उसके बाद 16690 ब्रेक करती है तो उसका पहला टारगेट आ सकता है 16665, दूसरा टारगेट आ सकता है डाउन की साइड में 16620 टारगेट आ सकता है। और अगर बाई चांस इस लेवल में ओपन होती है निफ्टी माइनस में 16665 से लेकर 16690 के बीच में, और उसके बाद अगर इस लेवल को ब्रेक करती है तो उसका पहला टारगेट 16620 और दूसरा टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स 16580। और अगर अपसाइड में फ्रेंड्स यहाँ पे ओपन होने के बाद इस जोन में ओपन होने के बाद 16752 निकलेगा तो उसका पहला टारगेट आ सकता है 16790 और दूसरा टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स निफ्टी में 16805। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया सोमवार के लिए हमारा निफ्टी का एनालिसिस। तो आइए देखते हैं अब बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है फ्रेंड्स सोमवार को। इससे पहले मैं इसको निकाल लेता हूं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी का वन डे का चार्ट। अगर आप यहां पर चेक करोगे तो उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग दिया है फ्रेंड्स। इस ब्लैक लाइन जो है वो मैंने 2000 EMA का लाइन दो के रखा है, इसके ऊपर उसको उसने क्लोजिंग दी है। और यहाँ पे आप चेक करोगे कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जा रही है फ्रेंड्स इस तरफ। तो आइए देखते हैं 15 मिनट की चार्ट में इस सोमवार को क्या हो सकता है बैंक निफ्टी में। फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी पे लगातार गैप अप हो रही है ओपन एवरी डे, तो देखते हैं सोमवार को 15 मिनट की चार्ट में क्या हो सकता है हमारी बैंक निफ्टी में। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लेवल लगा के रखा हुआ है पहले से ही, जिसको मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अगर बैंक निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है 36738 के पास उसका क्लोजिंग हुआ है और उसने हाई मारा 36787 का हाई है और उसका लो है 36688 उसका लो है। अगर सोमवार को फ्रेंड्स बैंक निफ्टी इसी जोन में ओपन होती है फ्रेंड्स, यानी 36687 से लेके 36822
और उसके बाद उसने ये लेवल ब्रेक करती है 36,680, तो उसका पहला टारगेट आ सकता है 36,600, दूसरा टारगेट आ सकता है 36,495 और तीसरा टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स 36,340। और अगर समझ लो कि अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है तो हमारी निफ्टी भी गैप डाउन ओपन होने की संभावना है और उसका लेवल रहेगा 36,620 से लेकर 36,680। अगर यहाँ पे ओपन होती है और उसके बाद अगर इस लेवल को ब्रेक करती है डाउन की साइड में तो भी उसका पहला टारगेट आ सकता है 36,490, दूसरा टारगेट आ सकता है 36,340। और अगर अपसाइड में फ्रेंड्स इस लेवल को ब्रेक करती है ये वाला 36,822 यहाँ पे ओपन होने के बाद तो उसका पहला टारगेट आ सकता है 37,050 और दूसरा टारगेट आ सकता है 37,300। इसको मैं निकाल लेता हूँ फ्रेंड्स ताकि आपको देखने में आसानी हो। फ्रेंड्स ये लेवल मैंने लगा के रखा है जिसको आप कर भी सकते हो। सॉरी ये आप लेवल देख सकते हो यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।